कई बार न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, तीन चार ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो देखने में तो इंसान जैसे हैं पर वो कौए हैं, दो पैर वाले कौए हैं। उन्हें एक टॉपिक दे देते हैं और एक एक साथ वो चारों लोग बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि एक एक करके कोई नहीं बोलता। तो चार कौए बोलते हैं और उनको लाखों गधे उनको देखते हैं। एंटरटेनमेंट का स्तर इतना गिर गया है कि टीवी में ये क्या करते हैं, एक कुछ लोगों को चुनते हैं, एक फिल्म स्टार को साइन करते हैं, बड़े स्टार को साइन करते हैं, एक डेढ़ दो महीने के लिए घर, एक घर में लोगों को डाल देते हैं, स्क्रिप्ट उन्हें दे देते हैं, वो दोनों वो सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और लोग क्या करते हैं, एक घंटा पूरा अपनी जिंदगी का रोज डेली बर्बाद करते हैं उसको देखने में। और केवल बर्बादी नहीं करते, उसके लिए मैसेज भी भेजते हैं। उनकी जिंदगी में इनको इतना इंटरेस्ट आता है, इतना इंटरेस्ट अगर अपनी जिंदगी में ले जाए तो उसका जिंदगी चेंज हो जाए। उसमें सिवाय नेगेटिविटी के है क्या, आप मुझे बताओ? एकदम राइट। एंड वो सब स्क्रिप्टेड है। तो उसको जो आप देख रहे हो, यू आर पुटिंग ऑल गार्बेज इन योर ब्रेन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू अचीव समथिंग? ये दिस इज द लीक, ये सबसे घटिया स्तर है एंटरटेनमेंट का, राइट? दिस इज सैडनेस। सो ओनली वॉच पॉजिटिव थिंग्स। अगर आपको एंटरटेन होना है, आप एंटरटेन होइए, अच्छी कॉमेडी कोई देखिए, आप हंसेंगे, रिफ्रेश होंगे, बढ़िया रहेगा। या आप ऐसी मूवी देखो जो आपको इंस्पायर करे। जैसे कुछ मूवीज है जो मेरी बहुत फेवरेट है, जैसे एक मूवी है गुरु, मुझे बहुत पसंद है, वो अंबानी जी के ऊपर बनी है, जीवन में बनी है जी, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने कम से कम 50 दफा देखी होगी। या भाग मिल्कर भाग मुझे बहुत पसंद है, राइट? इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, आई हैव वॉच्ड इट टन्स ऑफ टाइम्स। या एमएस धोनी बहुत इज अ वंडरफुल मूवी टू वॉच। सो ऐसी मूवीज लगान आप देखो, इफ यू वॉच दीज काइंड ऑफ मूवीज, दे एंटरटेन यू ऑल्सो, दे इंस्पायर यू ऑल्सो, इट इज गुड टू वॉच। सो यू शुड कंट्रोल कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। अगर आप दिन रात क्राइम के सीरियल देखोगे, वो क्या उसमें नेगेटिविटी तो है, राइट? अब कई लोग होते हैं, है तो रियलिटी, रियलिटी तो दुनिया में बहुत कुछ है, तुम्हें क्यों देखनी है? अंडरस्टैंड, यू आर पुटिंग दैट इन योर ब्रेन। सो यू शुड बी केयरफुल, आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसको आपने सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड, पॉजिटिव एसोसिएशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे तो रियल वर्ल्ड में, चाहे तो वर्चुअल वर्ल्ड में, आपको हमेशा पॉजिटिव एसोसिएशन रखनी चाहिए। वर्चुअल वर्ल्ड कौन सा होता है? ओके, अगर आप किसी को भी यूट्यूब पे, सपोज आप यूट्यूब में किसी को देखते हो, तो दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड। अंडरस्टैंड, जब आप किसी, जैसे अभी मैंने आपको रिकॉर्ड करा दिया, अब जब जब आप ये सुनोगे, मैं रियल वर्ल्ड में आपके साथ हूं, लेकिन मैं वर्चुअल वर्ल्ड में आपके साथ हूं। मेरे फोन में 70 GB से भी ज्यादा मेरे गुरुजी की मेडिटेशन एंड टीचिंग्स एंड लेक्चर्स हैं, मैं एवरी डे उनको सुनता हूं, आई लिसन टू इट एवरी डे। क्यों? क्योंकि जो मैं अपने अंदर डालूंगा वही मेरे अंदर से बाहर आएगा, इतनी सिंपल सी चीज है। सो एसोसिएशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एवरेज लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी एवरेज ही रहने वाली है, लेकिन अगर आप बार बार सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, राइट, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सो एसोसिएशन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Never ever complain, कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करनी, राइट? कंप्लेन जब हम करते हैं, एक दो प्रकार की कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है। एक होती है जो हम मुंह से बोलते हैं, राइट? वो तो आप सबको पता है, मुझे उसके बारे में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुंह से बोल के जब हम कुछ भी किसी को कहते हैं, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, मुंह से बोलना। एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बिना बात किए, बिना मुंह खोले आप अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये कैसे संभव है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो, आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली है आपके फादर, और वो एक अथॉरिटेटिव फिगर है, जैसे एक उनका एक पर्सनालिटी है। एंड सपोज उन्होंने बोला हुआ है कि कभी भी 10 बजे से बाहर, घर 10 बजे के बाद घर में नहीं आना, 10 बजे से पहले पहले घर में आया करो, और अगर कभी कुछ अर्जेंट भी हो गया तो कम से कम इन्फॉर्म करो। सपोज आप कहीं भी मीटिंग करने जाते हैं, एक रिमोट एरिया में गए हैं जहां पर आपका गाड़ी खराब हो गया और आपका फोन का बैटरी भी डेड हो गया, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, टाइम पे घर जा नहीं सकते। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि यार कोई गाड़ी ठीक करने वाला मिल जाए, कम से कम मैं घर तो पहुंच जाऊं, और वो रिमोट एरिया है, मतलब अंधेरा हो गया और आसपास कोई आबादी बबादी भी नहीं है, आप ऐसी जगह कहीं पर स्टकअप हो। चलो जी, बहुत देर के बाद में आपको कोई गाड़ी ठीक करने वाला मिल जाता है, आप गाड़ी ठीक कराते हैं, घर में आते हैं, 12:30-1 बज गया रात का। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि पापा सो चुके हो, नहीं तो फिर वो काटेंगे, राइट? अब आप मन में आपको डर लग रहा है, उम्मीद कर रहे हो भगवान, हे भगवान वो सो चुके हो, उनका सामना ना करना पड़े, ऐसा सोचेंगे अगर हम ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा हम जैसे, ओके?
सो आप जैसे ही घर में घुसते हैं आप देखते हैं लाइट जगी हुई है और आप पिताजी ऐसे खड़े हो रहे हैं राइट। अब आपने क्या किया, आप चुप रहे, आपने ऐसे नजर नीचे करी, आप चुपचाप अपने कमरे में चले गए और वो आपको कुछ नहीं बोल रहे, बस ऐसे देख रहे हैं। अब उन्होंने आपको मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन बिना बोले उन्होंने आपको सब कुछ बोल दिया, अंडरस्टैंड, समझा? दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब हम लाइफ में कंप्लेन करते हैं, किसी को भी दोष देते हैं अपनी किसी भी कमी के लिए, राइट, मेरे अपलाइन बेकार है इसलिए मैं तरक्की नहीं कर रहा, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते, गधे हैं, दूसरों की टीम को देखो कितने अच्छे से काम करते हैं इसलिए मैं तरक्की नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मैं मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इस टाइप की चीजें जब ये कंप्लेन करता हूं। जब आप इस मोड में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बिना बोले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम किसी को दोष नहीं देते, हम अपने ऊपर दोष देते हैं कि यार मेरी कमी है, मुझे तरक्की करनी है, किसी को करना हो तो करना, मेरे को आगे बढ़ना है। जब आप ये सोचते हैं कि ओनली आई हैव टू डू इट, मुझे करना है यार, मेरी ड्यूटी है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तब आप अपने ब्रेन को कम्युनिकेट करते हैं बिना बोले कि डू समथिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और आप फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड रास्ता ढूंढता है, रास्ता जो ढूंढेगा उसे ही मिलेगा, जो ढूंढेगा ही नहीं उसे मिलेगा क्या। सो लाइफ में एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपने बनाना है, आपने कभी किसी को ब्लेम नहीं करना, राइट, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए। जब जब आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो, आपकी तरक्की हो, आपका बीवी बीवी अच्छा हो, आपका पे आउट बढ़े, आपको कोई बोले कॉन्ग्रेचुलेशन या वेल डन, तो एक ही चीज आपने बोली कि सब भगवान की ब्लेसिंग्स है। क्रेडिट हमेशा उसको देना, जब भी कुछ अच्छा हो आपकी, कभी भी लाइफ में तरक्की हो, कुछ भी अच्छा, आप अच्छा काम करें, राइट। अभी जैसे मैं लंच के लिए जा रहा था तो आपने मेरे को बोला, आपने मेरे को बोला क्या सर जी, एक ही दिन में रुलाते भी हो, हंसाते भी हो, राइट, अलग कितने इमोशंस से गुजारते हो, क्या सर क्या जादू करते हो। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करता, मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, तो मैं सिर्फ आपको देखता हूं, करता ऊपर वाला है, एंड आई रियली बिलीव, राइट, यू शुड ऑलवेज लिव योर लाइफ, कुछ भी अच्छा हो हमेशा बी थैंकफुल टू द लॉर्ड एंड माइंड, एंड अगर कोई भी कमी हो, कमी अपने ऊपर लो, यार मेरी गलती है, मेरे को करना चाहिए, मेरे को इम्प्रूव करना, दिस इज द वे ऑफ लिविंग द सक्सेसफुल लाइफ। मैं काम नहीं करना भैया, दिस इज द वे ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं उल्टा, अगर कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा होता है, राइट, वो ऐसे कॉलर खड़े करके मैंने किया, मैं हूं मैं, और कुछ भी खराब होता है भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इसको आज से रिवर्स करना है। कभी भी कोई भी चीज ठीक नहीं है तो अपने को ब्लेम करके खुद इंप्रूव करना, देन यू विल ग्रो, और कुछ भी अच्छा हो अपने ऊपर कभी क्रेडिट मत लेना, वो उसकी ब्लेसिंग। सो नेवर एवर कंप्लेन इन लाइफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे, हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं, होम टू बी टॉक मोस्ट, हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा, हम सबसे ज्यादा अपने से बात करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना कभी शांत बैठता ही नहीं है, लगातार बक 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 करता रहता है। हाँ, जब हम सबसे ज्यादा अपने ज्यादा से बात करते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक वी हैव इन अवर लाइफ। सेल्फ टॉक सबसे महत्वपूर्ण टॉक है जो हम अपनी जीवन में करते हैं। सेल्फ टॉक मेक्स अस और ब्रेक्स अस। सेल्फ टॉक या हमें बनाती है या हमें खत्म कर देती है। एवरेज आदमी एवरेज क्यों है, क्योंकि उसकी खुद से जो सेल्फ टॉक होती है ना वो एवरेज और नेगेटिव होती है, और ग्रेट आदमी ग्रेट क्यों है, क्योंकि उसकी खुद से जो बात होती है ना वो सुपर पॉजिटिव होती है। दिस इज द डिफरेंस, राइट। नाउ कुछ साल पहले ओलंपिक में बैडमिंटन में, वुमेन्स बैडमिंटन में हमारे देश की पीवी सिंधु पहुंची और कैरोलिना मरीन पहुंची स्पेन से। तो बहुत सारे इंडियंस की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मैं भी चाहता था कि हमारे देश की एक बेटी गई है यार, वो गोल्ड लेकर के आए, तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस मैच को देखने के लिए। तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बनाया कि उस टाइम मैंने बिल्कुल खाली रखा, फोन भी बिल्कुल उस पे प्ले एरोप्लेन मोड पे डाल के मुझे मैच देखना था, मैं आराम से देख सकता। तीन मैच होने थे, उसमें से जो दो मैच जीत गया वो उससे डिसाइड होना था भाई गोल्ड मेडल किसको मिलेगा।
पहला मैच हम हारते हैं, दूसरा मैच हम जीतते हैं, यानी टाई हो गया 1-1। अब तीसरे मैच से डिसाइड होना था हु विल बिकम या विनर या और द वर्ल्ड चैंपियन और द ओलंपिक चैंपियन, और गोल्ड किसके पास आएगा। थर्ड मैच शुरू होता है जी। थर्ड मैच में मैं भी उम्मीद कर रहा था बहुत से देशवासियों की तरह कि यार हमारे पास आए, लेकिन जैसे ही थर्ड मैच शुरू हुआ कैरोलिना मरीन ने अपने गेम को इतना लेवल उसका हाई कर दिया कि सिंधु कुडंट कम्पीट। लास्ट जो स्कोर था वो 21-3, 21-5 या कुछ ऐसे था, मतलब कोई मैच ही नहीं था, वन साइड मैच चला। उस मैच में जब मैंने कैरोलिना मरीन को देखा वो अपने से इतनी तेज तेज बातें कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल पर्सन है जो सिर्फ इसको दिख रहा है, इतना जोर से वो अपने से बात कर रही थी। शी वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर, टू हरसेल्फ, सॉरी, वो स्वयं से ऐसी बात कर रही थी। अपने से बात हर कोई करता है, चैंपियन लोग अपने से पता कैसे बात करते हैं, चैंपियन लोग अपने से बात करते हैं सबसे पहले एवरेज लोग कैसे बात करते हैं, एवरेज लोग अपने से बात करते हैं नहीं हो रहा, मुश्किल है, कोई हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे पास ये नहीं है, मैं मर गया, मैं रुक जी गया, इस तरीके की बातें करते हैं, इसलिए वो बेचारे एवरेज है। अगर आपको अब एवरेज बनना है आपको अपने से बात करनी है, चैंपियन टॉक, राइट। व्हाट इज द चैंपियन टॉक? चैंपियन टॉक व्हिच आई डू टू माय सेल्फ इज सिंपल, सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी सुपर पॉजिटिव। इसका एग्जांपल, आई एम अ चैंपियन, राइट, ये बात आप खुद से बोल रहे, किसी और को नहीं बोल रहे, राइट, कॉन्स्टेंटली, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन, आई कैन डू इट, राइट, आई विल डू इट, आई एम टफ, इफ लाइफ इज टफ आई एम टफर, आई एम टफ, आई एम कमांडो। कमांडो की विशेषता क्या होती है कि उसमें उसकी डिक्शनरी में ना नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, right? उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, राइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो आई एम कमांडो, मैं सफलता के लिए बना हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और ये फैक्ट है, क्या आपकी जैसी शक्ल भगवान ने किसी को दी है? नो, सेम डिटो दिए नहीं दिए। आपके जैसे जो फिंगरप्रिंट है किसी को दिए भगवान ने? आपके जैसा डीएनए दिया किसी ने भगवान ने? नहीं दिया ना, बिकॉज आप यूनिक हो, यही चीज यहां पर है, मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, दिस इज द फैक्ट। ये है सारी चैंपियन टॉक्स। नाउ इस चैंपियन टॉक को आपने अपने डीएनए में डालना है। अब ये डीएनए में जाएगा कैसे? सिंपल, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, उसी तरीके से ब्रीदिंग करेंगे जैसी मैं आपको कर रही हूं सुबह से बोल रहा हूं, यानी अपने ब्रेन सेल से